अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो इसका मेथड बाकी क्वेश्चन से ज़रा डिफरेंट है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ए ओवर ए एक्स माइनस वन, इसके साथ हम ले आएंगे बी माइनस बी, और उसके बाद है प्लस बी ओवर बी एक्स माइनस वन, इसके साथ ले आएंगे ए माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अपोजिट को हमने आपस में मिला लिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का आपस में एलसीएम लेना है और इन दोनों का आपस में एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम आएगा ए एक्स माइनस वन, तो ये यहीं पे रहेगा ए माइनस बी। अब क्योंकि इसके नीचे वन होता है तो हमने वन और ए मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा a। अब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है b के साथ ए एक्स माइनस वन, तो b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स माइनस वन प्लस। अब इस ब्रैकेट के अंदर एल से हमारा बी एक्स माइनस वन, इसके नीचे वन होता है तो हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा b, और उसके बाद है माइनस साइन। अब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये आ जाएगा माइनस ए बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ऊपर आ जाएगा ए माइनस, ये बी मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर ए एक्स के साथ, तो ये आ जाएगा ए बी एक्स, और ये माइनस बी इस माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस। इसी तरह नीचे तो बी एक्स माइनस वन आएगा, अब ये ऊपर आएगा बी माइनस, अब ये ए मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर तो ए बी एक्स, और ये माइनस ए इस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए आ जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़रा तरतीब चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट हमें हमारे पास है ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, और नीचे ए एक्स माइनस वन प्लस, यहाँ पर तरतीब चेंज कर देता हूँ, प्लस ए मैं पहले लिख देता हूँ, इसके बाद माइनस ए बी एक्स लिख देता हूँ, और ये प्लस बी है ये आखिर में लिख देता हूँ, ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर आप देखें ऊपर वाले दोनों टर्म्स सेम हैं, यानी ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, ये दोनों सेम हैं। जब ये दोनों सेम हैं तो इसको हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन हम लेंगे ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, हमने कॉमन लिया तो अब ब्रैकेट के अंदर इस ब्रैकेट की जगह हमारे पास रह जाएगा वन, और नीचे रह जाएगा ए एक्स माइनस वन, उसके बाद है प्लस, और ये ब्रैकेट भी बाहर चली जाएगी तो हमारे पास वन रह जाएगा, और बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ए ए ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, अब ब्रैकेट के अंदर हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन। अब क्या होगा, इस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा बी एक्स माइनस वन, और उसके बाद प्लस साइन, और इस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा ए एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। ये आएगा ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, ऊपर ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे तो ये आएगा बी एक्स माइनस वन, और इस तरह ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ये आएगा ए एक्स माइनस वन, और नीचे आ जाता है इसी तरह आप देखिए बेशक मल्टीप्लाई ना करें ए एक्स माइनस वन और बी एक्स माइनस वन, और आखिर में ज़ीरो। अब ये आ जाता है
ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, और ऊपर और क्या बचता है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स, और उसके बाद माइनस वन माइनस वन माइनस टू, और इन सब के नीचे आ जाता है ए एक्स माइनस वन और बी एक्स माइनस वन और इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो के नीचे कुछ भी नहीं है तो वन है। अब हमने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई होगा इस ज़ीरो के साथ और ये वन मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले दोनों फैक्टर्स के साथ। तो ऊपर वाला जब मल्टीप्लाई होगा ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, और ये होगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू, ये हमने मल्टीप्लाई किया वन के साथ। अब हम इसको जब हम ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ज़ीरो ही आ जाएगा, ये सारा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब दो टर्म्स हैं, आइदर दिस टर्म इज इक्वल टू ज़ीरो और दिस टर्म इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फर्स्ट को ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो और ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास आएगा ए यहीं पे रहने दें प्लस बी यहीं पे रहने दें इज इक्वल टू माइनस ए बी एक्स, दूसरी साइड पे ले जाएं तो प्लस ए बी एक्स हो जाएगा और एक्स के साथ ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी ए प्लस बी के नीचे आ जाएगा ए बी, हमारे पास क्या अलग तलग रह जाएगा x, तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर ए बी, ये एक हमारे पास आंसर आ गया है। और इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें इन दोनों में से x कॉमन लिया जा सकता है तो a प्लस बी रह जाएगा इज इक्वल टू ये टू दूसरी साइड पे ले जाए और x इज इक्वल टू टू ए प्लस बी, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो a प्लस बी, तो ये हमारे पास दूसरा आंसर आ जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा।